हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर फाइव यूनिट वन ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास विकास क्रम आज आम एक इम्पोर्टेंट दीर्घमूलक प्रश्नोत्तर डिस्कशन करवा जहाँकि आपर थर्ड सेमिस्टर एग्जाम एक इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे। क्वेश्चन आपर प्रीवियस एग्जाम गुड़िक आसूसी तो आपंक एग्जाम बेस्ट आसो। तो भलसे भिडियोटू शेष पर्यटन देखिए और चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर अल् नोटिस बंद करदे जहाद्वारा यह प्लस थ्री अल् सेमिस्टर क्लास गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमें पहुँचार। या पूर्व आम ओडियानर्स सिलेबसटा डिस्कसन को सारे आपने डिस्क्रिप्शन जाए थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स क्लास प्लेस जाएंगे से भिडियोटी देखिपारे और आम चैनल में कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास और अन्य ऑनर्स क्लास होगी आपने डिस्क्रिप्शन में विजिट करके से क्लास गुड़िक देखिपारे। तो फिर चलते भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, आपर कोर पेपर फाइव यूनिट वन रही ना ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम तार आम एक दीर्घमूलक प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा जो ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास संपर्क में आलोचना कर। तो आज आम खाली डिस्कसन करवा जो उत्पत्ति किपर होता नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन करवा क्रम विकास जेहेतु आपर यहाँ एक लंग क्वेश्चन से आपर बहुत लिखा पड़ो और आंसर आपर बहुत रही। तो आज आम केवल उत्पत्ति डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्लास यार क्रम विकास। तर आंसर रही ओडिया भाषा एक समृद्ध एवं प्राचीन भाषा क्यों प्राचीन कालर ओडिशा रे नाना धर्मर विवर्तन एवं विकास घटी जैन बौद्ध एवं शैव मतवादर प्रचार संगे संगे ए देश में संस्कृत भाषा पाली प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषार साहित्य बहुकाल पर्यंत प्रचलित थिला। अवश्य बहु परे ओडिया भाषार साहित्य एक निर्दिष्ट रूपरेख ग्रहण कर प्रतिष्ठित होता। तो आपर ओडिया भाषा हूँ आप समृद्ध एवं प्राचीन भाषा। प्रथम आम ओडिशा रे आमर जो पूर्व काल संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषार साहित्य बहुकाल पर्यंत प्रचलित थिला। तापर आमर आसला ओडिया भाषा। तापर रहा ओडिया भाषा केवे जन्मग्रहण करथिला ए संपर्क में ठीक प्रमाण देवा संभव नुहे मात्र प्राचीन शास्त्र मानकर ओडिया भाषा जे के ऐतिहासिक कालर विद्यमान थिला ताहा प्रमाण मिलोछि। ए संपर्क में पंडित जगबंधु सिंह मत उल्लेखयोग्य सी कौन कहते ना प्राकृत लंकेश्वर व्याकरण रे शास्त्रीय अष्टादश भाषार उल्लेख रही ये थी आप जो जगबंधु सिंह कथा कही थे प्राचीन ऐतिहासिक कालर विद्यमान थी आपणकर ओडिया भाषा। तापर अच्छी प्राकृत लंकेश्वर व्याकरण शास्त्री में अष्टादश भाषार उल्लेख अच्छी अष्टादश भाषा मध्य ओडिया आपण जो ओडिया ओडिया भाषा नाम लेख रही ललित विस्तार ग्रंथर लेखा अच्छी आचार्य विश्वामित्र बुद्धदेव को लिपि शिक्षादान प्रदान करने पूर्व बुद्धदेव 64 प्रकार लिपि शिक्षा करते से उड्र लिपि नामक उल्लेख अच्छी संभवतः उड्र उग्र लेप बोली लिखा अच्छी। तो आपण की सब इम्पोर्टेंट रही उपक्रम आपको भलसे लिखे भलसे नोट करके एवं लिखिदेचु। तापर रही पृथ्वी भाषा गोष्ठी मध्य इंडो यूरोपियान एक प्रधान भाषा गोष्ठी या दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ यूरोपियान इंडो आप गोटे हूँ यूरोपियान आउ गोटे हूँ इंडो ईरानियान। तापर आर्य मैंने भारत में बसवास आरंभ करने पूर्व बहुकाली ईरानी आर्यगोष्ठी सहित रही आसी भारत को आगमन करापर से भाषा स्वतंत्र प्रकटित है। भारतीय आर्य भाषा बहुकाल पर संस्कृत और प्राकृत भाषा रूपातरित होगला। प्राकृत भाषा प्रथम काल में कथित भाषा थी मात्र पर साहित्य भाषार बहु रूप ग्रहण करने को अपभ्रंश है लोकंर कथित भाषा केत काल पर अपभ्रंश भाषा साहित्य मर्यादा लाभ कर परवर्ती काल में प्रादेशिक भाषा गुड़िक कथित भाषा रूप से जन्मग्रहण करथिला। कालक्रमे से ही प्रादेशिक भाषा रे मध्य साहित्य रूपायित होला। एही अपभ्रंश भाषा रु आमर ओडिया भाषा जन्मग्रहण करिअछि। निम्नमते ओडिया भाषार उन्मेष को लक्ष्य करा जाय पारे सूर्यनारायण दास तांका ओडिया साहित्यर इतिहास रे ओडिया भाषार एही उन्मेष सूत्र को स्वीकार करिछन्ति। तापर जी मिश्रणर परवर्ती काल रे प्राकृतर जन्म हुए। तापर ये प्राकृत दुई भाग विभक्त कराई ताला सौरसेनी और मागधी यही उभय जो आप कौटी रहा देखूँ जो कहला जो अपभ्रंश भाषार आम ओडिया भाषा जन्मग्रहण करते से ओडिया भाषा से ओडिया भाषार आपणकर मिश्रण से परवर्ती काल में प्राकृतर जन्म हुए। ये प्राकृत दुई भाग विभक्त कराला सौरसेनी और गोटे हूँ मागधी यही उभय भाषार सम्मिश्रण से अर्ध मागधीर जन्म हुए तहीं अपभ्रंशर अपभ्रंश भाषार तहीं अपभ्रंश भाषार। तापर मैथिली साहित्य इतिहास लेखक डॉक्टर जयकांत मिश्र भाषा तत्वविति तार पुरैवाला मत को अनुसरण कर मागधी प्रकृतर ओडिया मैथिली आसामी और बंगला भाषा जन्मग्रहण करोट उपर ओडिया मैथिली आसामी और एवं
ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଗୋଟିଏ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗିୟର୍ସନ୍ ଏହି ଭାଷାମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଏହିପରି, ଲାଇକ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଓରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆସାମୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଗଧୀ ପ୍ରକୃତରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବହୁକାଳରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ମଗଧନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଲେ ହେଁ କଲିକତା ନିବାସୀ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେ ମାସରେ 4 ତାରିଖରେ କଲିକତା ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ବୈଠକରେ ଏହି ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତା'ର କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଏହି ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୀର୍ଘମୂଳକ, ଆକୁ ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।